प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सरकार इस पे गंभीरता से विचार करे। संख्या चार उत्तर सभा पटल पर रख दिया। एक मिनट, माननीय सदस्य बैठिए, आप प्रश्न लास्ट में आएगा, सारे प्रश्न पूरे होने के बाद आएगा, कभी बीच में नहीं बोलता, अब नहीं आएगा प्रश्न, अब नहीं आएगा, बैठिए। आप उस समय यहाँ आ जाते हो, वेल में आ जाते हो, फिर कहते हो प्रश्न, उत्तर मेरे पास, आप उस समय वेल में क्यों आए, वेल में आए तो होगा। मंत्री महोदय स्थगित नहीं है मेरे पास, आ गए तो होगा, हाँ होगा, बाद में आएगा, बाद में आएगा, मैंने व्यवस्था दे दी है, मैंने व्यवस्था दे दी, बैठे मैंने पहले दिन आकर के, आप सोच रहे यार मैं जितना लीनियंट हो रहा हूँ उतना ही आप आगे बोलते जा रहे हो। मंत्री महोदय प्रश्न स्थगित नहीं है, मेरे पास उत्तर आया है और छाप लगी हुई है इस पे। क्या माननीय मंत्री जी, जी उत्तर दीजिए। सबसे पहला, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, प्रश्न का उत्तर आ रहा है जी। दूसरा, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तीसरा, ऐसा कोई विचार वर्तमान में सरकार के स्तर पर विचार में नहीं। मेरे को जवाब दिया वो नहीं पढ़ रहे हैं मंत्री महोदय, आपने जवाब क्या दिया, ये मेरे पास जवाब है। मैंने कहा था कि सभा पटल पर रख दिया है, आप प्रश्न पूछ लीजिए मुझसे। नहीं, आप एक बार उसको जवाब तो सुना दे साहब। तो मैं वही तो बता रहा हूं जवाब। आप क्यों खड़े हैं, प्रश्नकर्ता खड़ा है, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, अरे अरे बैठिए, बाकी सदस्य बैठिए बैठिए बैठिए, अरे बैठिए बैठिए, माननीय सदस्य सब है, जिसका प्रश्न उसको बोलने दीजिए। तो ये अरे माननीय सदस्य प्रश्न का उत्तर सुने, ऐसा ही है माननीय महोदय। अरे आप, ये मेरा काम है, मेरा काम आप नहीं करेंगे, मेरा काम मेरे करने दीजिए। हाँ तो आप बैठिए ना, आप बैठिए, मैं आपके नेचर जानता हूँ, जो हो रहा है मैं देख रहा हूँ उसको, आपको देखने का अभी जिम्मेदारी नहीं मिली है, बैठिए। अरे आने दीजिए उत्तर, आप बैठिए, उत्तर आने दीजिए, मैं आपको, अरे आपको बोलने की अनुमति नहीं है, बैठिए, आप हमारे हैं तभी तो आपको कहा था, अब आप बैठिए, उत्तर तो आने, अरे उत्तर आने दीजिए, व्यवस्था चलाने दीजिए, ना आप बैठिए, इसलिए कह रहा हूँ बैठिए, आपका हूँ इसलिए कह रहा हूँ बैठिए। माननीय स्पीकर महोदय, इनका जो प्रश्न है वो सबसे पहला है, क्या सरकार योजना में लाभान्वितों की निर्धारित सीमा 2 लाख में वृद्धि करने का विचार रखती है? उसका उत्तर यह है कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचार नहीं। मंत्री महोदय प्रश्न भी अलग है, जवाब भी अलग है। अरे ये उत्तर है मेरे पास है, उत्तर पढ़िए, आप कैसे, उत्तर है मेरे पास, उत्तर पढ़िए, उत्तर मेरे पास है। ये इस तरीके की सदन की स्थिति, अरे आप ये देखिए, आपके सरकार के मंत्री को नहीं पता कि जवाब क्या देना है, प्रश्न कुछ लगा है, जवाब कुछ दे रहे हैं, क्यों यहाँ की गरिमा गिरा रहे हैं? स्पीकर महोदय, मंत्रियों को जो जवाब देना चाहिए उसकी तैयारी नहीं है, रिप्लाई नहीं आ रही है और जवाब ही नहीं है, क्वेश्चन क्या है, जवाब क्या दे रहे हैं? वर्तमान में प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री युवा संबल योजना लागू है। इस योजना में वर्तमान में सरवण जी 1,56,656 आशार्थियों को भत्ता दिया जा रहा है, जिसमें पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपए एवं महिला निशक्तजन एवं ट्रांसजेंडर आशार्थियों को 4,500 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जा रहा है। दूसरा, तहसील चित्तौड़गढ़ में विगत 3 साल में कुल 3,106 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1,470 आशार्थियों को भत्ता दिया गया है। पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपये एवं महिला निशक्तजन व ट्रांसजेंडर आशार्थियों को 4,500 रुपये प्रतिमाह दिया गया है। विभागीय पोर्टल पर विधानसभा वार डाटा संधारण नहीं किया जाता है। तीसरा, जी हां, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता 3,500 रुपये प्रतिमाह तक करने की घोषणा की गई थी। वर्तमान में योजना अंतर्गत पात्र पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपये, महिला निशक्तजन व ट्रांसजेंडर आशार्थियों को 4,500 रुपये प्रतिमाह नियमित रूप से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। पूरक प्रश्न एक, माननीय अध्यक्ष महोदय
सबसे पहले मुझे आपको संरक्षण चाहिए, क्योंकि इस जवाब का वास्तव में अधिकारी इस चीज को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल तक बीजेपी ने धरना प्रदर्शन ज्ञापन सब कुछ किया था। आप प्रश्न पूछिए। मैं प्रश्न ये कर रहा हूँ कि युवा बेरोजगार का एक तो भत्ता बढ़ाने की बात हुई, बेरोजगार भत्ता देने की पात्रता का पंजीकरण विधि क्या है, आज की तारीख में कितनों बेरोजगार आवेदन लंबित हैं, पात्र कितने हैं, अपात्र कितने हैं, एक तो ये बताएं। दूसरा, कुल कितनी राशि महिला एवं पुरुष अन्य पात्र को दी गई है, जिलेवार सूची हम उपलब्ध करवाएं। बैठिए माननीय मंत्री। बाद में पूछो ना। माननीय स्पीकर महोदय, ये जो योजना है ये 2007 में शुरू करी गई थी और 2007 में इस योजना का नाम अक्षत योजना था। तब उस समय के हिसाब से जो राशि थी वो निर्धारित कर दी गई थी, अगर सदन चाहता है तो मैं यहाँ पटल पे रख सकता हूँ। उसके बाद 2009 में इसमें परिवर्तन करा गया, इसमें कौशल को जोड़ा गया, इसका नाम अक्षत कौशल रखा गया। उसके बाद 2012 फिर 2019 में इसके नाम भी बदले गए, इसमें राशि भी बढ़ाई गई क्योंकि समय के हिसाब से राशि बढ़ाई जा रही थी। शुरुआत में 2007 में जब ये योजना शुरू हुई तब एक सीमित मात्रा में जो कैप था, अपर लिमिट था, वो एक सीमित मात्रा में था, उसको बढ़ा दिया गया बाद में, उसको 2 लाख अधिकतम 2 लाख युवाओं को एक समय पे 2 साल तक लगातार ये दिया जाएगा। इसके अंदर आज की तारीख में 1,86,656 आज की तारीख में युवा हैं जिनको ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अंतर्गत लाभार्थी हैं। और आज की तारीख तक यानी 2007 से लेकर आज की तारीख तक इसमें 6,38,621 ये सारे लाभार्थी हैं। अभी जब मैं अपने साथी को ये बताना चाहूँगा कि इसमें पात्र होने की कुछ शर्तें होती हैं और अपात्र भी हो सकते हैं इसके, अगर आप चाहें तो मैं वो यहाँ पर पढ़ सकता हूँ आपके लिए। नहीं, वो आप इनको दे देना, आप तो यहाँ बाद में आप उत्तर दे सकते हैं। हाँ, दूसरा कोई बैठिए। नहीं नहीं, दूसरा प्रश्न। इतने बेरोजगार युवाओं के फार्म लंबित पड़े हैं, अधिकारी है वहाँ है नहीं, कर्मचारी वहाँ है नहीं, और अभी मैंने इतना पूछा कि मेरे वहाँ कितने लंबित हैं, कितने अपात्र आपने किए हैं, कितने पात्र हैं, एक बात वो बता दें। और जिनको आपने निरस्त किए हैं वहाँ, जितने भी आवेदन आए उनके 10% फार्मी हो, भली ये सरकार रही हो, ये इन्होंने भी यही घुमा फिरा के जवाब दिया है। आप जब यहाँ बैठते थे अध्यक्ष महोदय तो आपको ध्यान में है, तो घुमा फिरा के जवाब दिए हैं युवा बेरोजगारों को भत्ता देने की, जो अपन फार्म निरस्त करते हैं उनकी क्या विधि है, क्योंकि जो जो फार्म आते हैं उनको केवल 2-5% फार्म रखते हैं, वरना सब फार्म रिजेक्ट करते हैं। मेरे वहाँ आज की तारीख में चित्तौड़गढ़ जिले में कितने तो पात्र हैं, कितने अपात्र हैं, इतने का आप बता दें। माननीय मंत्री जी, चित्तौड़गढ़ तहसील के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था, माफ कीजिए, क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का है, क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिला नहीं लिखा है। पिछले 3 साल से 3,106 आवेदन प्राप्त हुए हैं और आज की तारीख में 1,470 आशार्थियों को भत्ता दिया जा रहा है। इसके अंदर जो आवेदन जिनके इसमें चेकिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है, कुछ एक होते हैं जो जिन्होंने अपना इंटर्नशिप नहीं करी हुई होती, कुछ होते हैं जिनको अप्रेंटिसशिप के लिए भेजा जाता है, जब वो पूरे पात्र बनते हैं तभी उनको आगे एक्सेप्ट करा जाता है। मैं माननीय अपने साथी को बताना चाहूँगा कि 1 महीने के अंदर अंदर हम सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं और जो एक प्रोबेबल कैंडिडेट होता है उसको लाभ बेनिफिट मिलना एक विद इन 1 मंथ शुरू हो जाता है। जैसे जैसे जो 2 लाख की सीमा होती है, जो कैप होता है, उसमें से जैसे कम होते हैं, जैसे अभी 1,86,000 है तो तकरीबन 15,000 का जो गैप है अभी, उसकी चेकिंग चल रही है और उसको हम भरते रहेंगे। जैसे अपात्र होते जाते हैं यहाँ से जो हमारा डिपार्टमेंट है वो उसकी पूर्ति करता रहता है। श्री राजकुमार रोत। अध्यक्ष महोदय, पुकार लिया पहले, एक सेकंड। इसमें एक तो जो आपका खंड बे में जो आपने उत्तर दिया है वो बड़ा